अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब लोगों को इंतज़ार होगा आज की पीपीसी न्यूज़ का, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जज साहब हैं अली अल जुलंदानी साहब, वो उनकी सेहत कुछ रोज़ से नासाज थी, लेकिन कल शाम को अचानक वो कुछ ज़्यादा बीमार हो गए और उस वजह से वो शो में नहीं आ सके। तो मैं जो पाकिस्तान पोमेरियन क्लब की इंतज़ामिया है, आज एक तफसीली मीटिंग के बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि जो हमारा दूसरा सालाना शो है वो इंशाल्लाह परसों बरोज़ इतवार 13 नवंबर को ही होगा इंशाल्लाह। और अब चूंकि जज साहब जो हैं वो नहीं आ रहे, तो फिर हमने और जितनी भी इंतज़ामिया है पाकिस्तान पोमेरियन क्लब की, सब ने आपस में मुशावरत करके एक मुत्तफिका जो नामों पे इत्तेफाक़ राय हुआ है, बहुत सोच विचार के बाद और आपस में मुशावरत के बाद वो दो नामों पे हम लोग मुत्तफिक हुए हैं, जिनको कि आप तमाम लोग जानते हैं, बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस हैं और काफ़ी अच्छे शौकीन हैं इस फील्ड में। चूँकि इससे पहले कि पोमेरियन का जज तो यहाँ पे हुआ नहीं है जिसने इस शो को जज किया हो, तो फर्स्ट जो भी होता वो एज ए फर्स्ट एक्सपीरियंस के तौर पर ही होता। तो हमने जो दो नाम सेलेक्ट किए हैं वो एक फजल राजक साहब हैं बेवल रावलपिंडी के, जो कि आरपीपीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा जो नाम है वो मोहम्मद बिलाल साहब, जिनको मुन्ना जट के नाम से आप सब लोग जानते हैं बहावल नगर से। तो ये दो हजरात जो हैं ये पाकिस्तान पोमेरियन क्लब की जो सेकंड शो है वो उसमें जज की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, और मैं इन दोनों हजरात का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस पर उन्होंने आमीन कहा है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त भी हमें दिया और अपनी बेपनाह मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त भी निकालेंगे इंशाल्लाह। तो आप तमाम जो फैंसीज हैं, ये गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह हमारा शो पर वक्त हो रहा है, उसी डेट पे उसी टाइम पे इंशाल्लाह हो रहा है। तो आप तमाम लोग पाकिस्तान में जो भी फैंसी पिजन्स हैं शौकीन हैं, या इसके अलावा जो भी पिजन्स के शौकीन हैं बर्ड लवर्स हैं, अयूब पार्क रावलपिंडी में आप लोग हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आएँ, और जो भी हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई करें और शो में शिरकत फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।